हाँ वो यतीम खाना है वहाँ। हाँ वहाँ पहुँच गए ना आप, तो वहाँ पे कोई दरवाज़ा है लोहे का है तो उसको नॉक करिए आप, अंदर से आएगा कोई। हाँ मैं फ़ोन पे रहिए आप, उनको नॉक करिए और आएगा तो उनको खाना दे दीजिए। सो हो गया है सहरी का वक्त और हम लोग पी रहे हैं अपनी चाय। और ये जो अभी आपने फ़ोन कॉन्वर्सेशन सुना, ये शोएब का रोज़ का रूटीन है क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं कुछ, एक यतीम खाना है जहाँ पे हम सहरी भेजते हैं रोज़। तो वो जो जोमेटो वाले भैया हैं वो रोज़ एड्रेस पूछने के लिए फ़ोन करते हैं, तो थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हालांकि है मेन रोड पे, बट थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो उनको लगता है कि ऑर्डर आया तो शायद कहीं बिल्डिंग होगी। एक बार जोमेटो वाले भैया बोल भी रहे थे, अच्छा सर यहाँ देना है सर, मुझे लगा कि बिल्डिंग हो गया है। तो वो थोड़ा सा तो उनका रोज़ का है, जब वहाँ पहुँचते हैं तो हमेशा वो कॉल करते हैं, सर कहाँ है एग्जैक्टली। और वो ऐसी जगह पे है कि वो मिस हो सकता है इसीलिए। और आज वाले थोड़े समझदार थे, जल्दी समझ गए, पहुंच गए थे यहाँ सर, गेट पे खड़ा हूँ मैं नहीं या हो सकता है रिपीट हुए होंगे, नहीं तो पिछले 2-3 दिन तो बड़ा मज़ा आया, बड़ी लंबी लंबी कॉन्वर्सेशन थी। आप आगे निकल गए, आप पीछे आइए, आप लेफ्ट जाइए, आप राइट जाइए। चाय सही है, ठीक है, अच्छी है, टेस्टी है, शक्कर भी बराबर है, कड़क भी बराबर है, अच्छी है। और यहाँ पे बैठ के शोएब एडिट कर रहे हैं अपना व्लॉग कल वाला। एडिट नहीं कर रहा मैं, चेक कर रहा हूँ अंकित एडिट करके गया है। हाँ। तो ऐसे बस मैं देख रहा हूँ कि हाँ सब सही है कि नहीं है। और जब तक मैं ये व्लॉग लाइव करूंगी तब तक आप लोग जो है ये देख चुके होंगे। और कल हम लोग गए थे, मैं आज बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उलझी हुई थी। और ऐसा नहीं कि मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, मेरा वही हुआ है हर बार की तरह कि मैंने हर रोज कैमरा उठाया, मैंने कुछ ना कुछ शूट भी किया। आपको पता है मैंने कितनी रेसिपी शूट की है जो वेस्ट हो गई मेरी, क्योंकि वो व्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मैं कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वो ढंग से शूट नहीं हुई। जब सब लोग टेस्ट कर रहे थे तब रूहान रोने लग गया, मैं उसके पास चली गई, उसको भूख लग गई तो मैं उसको खाना खिला रही हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ होती रही है। तो वो मेरे व्लॉग्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाए, इसीलिए मैं आज बहुत नहीं पर ये बहुत गैप करती है। आप सब दोस्तों ना शिकायत करते हैं, मेरी भी शिकायत है कि बना लेना चाहिए ना, एटलीस्ट 2-3 दिन में एक ब्लॉग तो बना लेना चाहिए। चलो चलो किचन में जाएंगे, इफ्तार बनाएंगे, चलो। और ये पे हो रहा है यार, ये तो कम बोलो, आज मैं बोल रही हूँ शोएब को कम बोलो नहीं बोलो बोलो, वैसे ही कम बोलते हो और चुप हो गए तो बात ही नहीं करोगे बोलो बोलो सबसे पहले मैं रेडी कर रही हूँ काले चने की चाट, और उसके साथ मैंने भजिए का जो बैटर है वो भी भिगो दिया है, और उसके साथ गुलगुले का जो बैटर है वो भी भिगो दिया है, निकू जो है वो पापड़ फ्राई कर देगा। सो दैट्स इट, वी आर डन। और ये देखिए यहाँ पे निकू है पापड़ फ्राई कर रहा है, यहाँ पे मैं गुलगुले फ्राई कर रही हूँ, तो ये दोनों भी डन, हमारे चने की चाट भी बन गई और सब कुछ रेडी है। सो बेसिकली आज जो है वो अम्मी आज से अकेली हैं क्योंकि बेटी खाला भी चली गई, सबा भी चली गई, अम्मा भी चली गई, तो इसीलिए मैंने अम्मी को कहा कि सारी तैयारी जो है वो हम ऊपर करेंगे, वरना बेटी खाला हुआ करती तो हेल्प हो जाती है, अम्मी अकेली थक जाती हैं, तो इसीलिए हमने सब कुछ आज से ऊपर करने का ज़िम्मा लिया है। अम्मी सिर्फ फ्रूट्स कट करेंगी और अपने चने की दाल रेडी करेंगी। और यहाँ हम सब लोग बैठ गए हैं इफ्तार के लिए, इफ्तार का वक्त हो गया तो बिस्मिल्लाह करते हैं। और सडनली बहुत सूना सूना लगता है क्योंकि सबा, सनी, बेटी खाला, अम्मा सब लोग जो हैं वो वापस चले गए हैं, तो बहुत खालीपन लगता है। हाँ जी, तो इसके बाद भी मेरा ब्लॉग जो है उस दिन कंप्लीट नहीं हुआ और मैं नहीं डाल पाई, फिर से मैं कुछ काम में उलझ गई थी और फिर से 2-3 दिन निकल गए हैं। सो सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी कि आज बहुत दिनों बाद जो है मैंने फाइनली सोचा है कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसको कंपाइल करके आप लोगों से शेयर करूंगी, एंड फिर इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि जैसे मैं पिछले कुछ समय में इससे पहले काफ़ी रेगुलर थी वैसे रेगुलर रहूं। तो अभी हम शुरू करते हैं शुरू से। ये जो अगली क्लिप है, जो अगला पार्ट है, ये है जब हम सबा के घर इफ्तार के लिए गए थे, जो आप देख चुके होंगे शोएब के ब्लॉग में, सबा के ब्लॉग में आपने एक झलक देख ली होगी। उसके घर गई थी, एक उसके टेबल पे उसने एक छोटा सा
डेकोर किया था जिसपे रमादान करीम का एक पीस भी रखा हुआ था, वो मुझे बहुत प्यारा लगा, वो मैंने कैप्चर किया था। तो ये उस दिन की क्लिप है। यस, ये है 24th of March जब हम सबा के घर गए थे इफ्तार के लिए, और ये जो टेबल छोटा सा प्यारा सा मुझे बहुत प्रिटी लगा। चलो आज ये समोसे बनाए हैं सबा ने और रिजा ने मिलके, सनी ने, मैंने तीनों ने मिलके मेरा वाला वो अलग दिख और ये इस बार भी सनी ने बनाई है। पिछली बार मैं पी नहीं पाई थी क्योंकि मैं रूहान के साथ अंदर चली गई थी, बड़ी टेम्पटिंग लग रही थी उस दिन भी, आज भी। चलो आज थोड़ी पतली कर दी उस दिन कम और मैं छोटा कर दिया पर आज नंबर ऑफ ग्लासेस ज्यादा लग रहे हैं, छोटे ग्लास हो गए इसके। और ये आज बेटी खाला ने बनाए हैं मूंग दाल के, मूंग और बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छे बने। टेस्टी अच्छा है, बहुत अच्छा। क्योंकि आपको पता है ना, मैं ये चिकन का बनाने में हमेशा डरती हुई सोच के कि वो अंदर कच्चा ना रहे। नहीं, बिल्कुल भी कच्चा नहीं और हीक भी नहीं, खा के देख, बिल्कुल भी नहीं। बहुत देर पकाया, बहुत अच्छा। और ये बहुत ही प्यार से सबा ने मम्मी के लिए बर्थडे गिफ्ट रेडी किया था, तो इफ्तार के बाद वो आई मम्मी को वो देने के लिए। बेस्ट मॉम एवर, सो स्वीट। अरे वाह, वेरी नाइस। ठीक है, चलेगा, बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा। बहुत अच्छा है, ब्लू कलर बहुत प्यारा है ना, रिच कलर है। थैंक यू सो मच। आने में लेट हो गए थे तो। अरे वाह, डिजाइन ही बिल्कुल अलग, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ, बहुत अलग है। और छुनछुन वाला है, मम्मी को भी छुनछुन वाला पसंद है। फ्लाइज एंड अभी ऐसा है कि हम सबा के घर जाते हैं इफ्तार करने, और उसका अपना एक वे है, यू नो ना, शी इज द होम मेकर, तो उसका अपना एक वे है अपने घर को डेकोरेट करने का। वो और सनी मिलके एक तरीके से करते हैं, सो इट्स सो स्पेशल। ये सारी छोटी छोटी चीजें इतनी ज्यादा स्पेशल होती हैं आप जब लाइफ में आगे बढ़ते हो। सो एनीवेज, उसके बाद अब सबा और सनी जो हैं वो चले गए हैं, बेटी खाला चली गई हैं, अम्मा चली गई हैं वापस मौदाहा, आप सब लोगों को ये बात तो पता ही होगी। एंड उसके बाद फिर एक दिन शोएब का बहुत मन था एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चिकन खाने का, वो एक बहुत बड़ा किस्सा है, किस्सा बन गया एक्चुअली, तो आप अभी वो क्लिप देखिए, उसके बाद मिलते हैं। हाँ जी, तो इस चिकन को क्या नाम दूँ ये आप लोग बताएंगे मुझे, मैंने क्या बनाने की कोशिश की थी और क्या बना, पर चलो टेस्टी बना। शक्ल देख के बताओ, इज दिस व्हाट यू कॉल्स टू? तो कैसा होता है मुझे कभी खिलाओ। देखो, मैं कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ जो मैंने आज तक ना खाया है ना देखा है, और ये आदत फरा मैम की देन है। तो उस दिन फरा मैम आई थी हमारे घर पे, और उन्होंने बोला कि मुझे वो नान खाना है, तो मैंने बोला वो जो बेकरी में मिलता है वो तिल लगा हुआ, तो बोला हाँ। तो हमने तुरंत धर्म दादा को भेज के मैम के लिए ये नान मंगवाया, उन्होंने बड़े मज़े से जो है इसे इंजॉय किया। और उसके बाद ना एक आदत सी लग गई है मेरी भी शोएब की, कि हम लोग बैठ के अगर ये शायद तीसरी बार हो रहा है कि हम लोग पाव मंगवा के ही खा रहे हैं, नान मंगवा के खा रहे हैं। और शोएब ने मुझे फरमाइश की थी, दीदी चिकन बनाओ स्टू टाइप का, और वो बन गया है ये, ठीक है। अब मैंने शोएब से पूछा, मैंने चिकन स्टू कैसा होता है, क्या होता है, मैंने आज तक खाया नहीं है, तो अब मैंने गूगल किया तो ऐसा कुछ आ गया, तो मैंने बना दिया। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी रेसिपीज देखी, पर बनने के बाद मुझे भी लगा कि ये तो खड़े मसाले का चिकन बन गया जैसा हम भी बनाती हैं। हालांकि मैंने रेसिपी शूट की है, मैं इसके बाद डालने वाली हूँ, आप देखना और आप मुझे बताना कि ये कैसा बना है, वो तो आपको पता चल जाएगा। और आप मुझे बताना कि चिकन स्टू क्या होता है, कैसा होता है,
और वो साउथ इंडियन वाला नहीं जो कोकोनट डाल के बनता है, वो वाला नहीं, एक दूसरा चिकन स्टू टाइप होता है। वो कैसा होता है? चिकन स्टू अलग अलग तरह के होते हैं, पर हम जो खाते हुए हैं ना उसमें इतना और मतलब वो मसाला ऐसा नहीं होता, ये ग्रेवी वाला लग रहा है ठीक है, वो और पीसीस में लगा हुआ होता है, ऐसा नहीं होता, हल्का सा इससे और ड्राई होता है। तो इसको और पका दूं तो? नहीं नहीं, अभी मुझे खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही, जो भी है ये नहीं, पर इसको ड्राई कर दूं तो वही हो जाएगा ठीक है ना, जो बन गया तो बन गया। अभी इतने प्यार से फरमाइश करते हो तो ऐसा लगता है कि वो सीखा जाए। वो सीख रहे ना, बट ये थोड़ी सा मतलब ये अच्छी खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है इसकी। ये अम्मी खड़े मसाले जैसा बना है, टेस्ट बहुत अच्छा है। स्टू नहीं बना कोई बात नहीं, बट जो बना है वो बहुत अच्छा बना बहुत अच्छा है, मतलब ये बना फिर बेस्ट है चिकन बनाने गई थी कुछ और, आजकल मेरे साथ बड़ा हो रहा है, बनाने जाती हूँ कुछ और बन जाता है कुछ और, और जो कुछ और बनता है वो बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने भी खाया, ऐसा नहीं है, और मुझे भी अच्छा लगा, और पापा ने भी खाया, देव भैया ने भी खाया, अम्मी और ने भी खाया, तो मैंने सबको ज़्यादा की पूछी थी कैसा बनाया कैसा बनाया। शो इज द लास्ट वन टू ईट नाउ एंड एवरीबडी लाइक्ड इट, सो ये अच्छा बना है। तुम चिकन ऐसे बनाए हो? वाह, ग्रेवी वाला है ऐसे उसको पर जनरली। सो अब आप लोगों की ड्यूटी, इस चिकन को मैं क्या बोलूँ, चिकन मसाला, चिकन ग्रेवी, चिकन कुछ तो, ओके चिकन कुछ तो बन गया। अब चिकन स्ट्यू जो शोएब खाना चाहते हैं, लेकिन वो ग्रेवी वाला नहीं, थोड़ा थिक ग्रेवी वाला सुनाई दिया। एक मिनट फिर से चिकन स्टू, लेकिन यूट्यूब वगैरह पे ना वैसे रेसिपी हैं बहुत ग्रेवी वाली, आई थिंक अम्मी से पूछो, वो अम्मी बताएंगे स्टू कैसे। तो वो वाला मुझे याद है, भोपाल में थे ना अम्मी, तो कभी कभी मटन स्टू, कभी कभी चिकन स्टू बना देती थी, तो वो ग्रेवी ऐसी नहीं हुआ करती थी। तो कैसी हुआ करती थी? प्याज की चटनी खाई तुमने? हाँ। कैसे वो ठीक ठीक रहती है? हाँ तो करेक्ट है, इसी को और ड्राई कर दो। नहीं, नहीं, टेस्ट ऐसा होता है कि टेस्ट भी अलग होता है थोड़ा, और जब उसको इसको भून देंगे, हाँ तो वो कैसा करेक्ट, तो इसको ज्यादा पका देंगे, अगर इसको और ड्राई कर देंगे। इसको चेंज मत करो उसको सेपरेट बनाओ, इसको चेंज मत करो, ये बहुत अच्छा है। अरे तो मैं ये वाले को बदलने नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ जब कभी बनाऊ तो देख लेना वो। प्लीज हेल्प, चिकन स्टू। मैंने 10 प्याज ले लिए हैं यहाँ पे, मस्त अच्छे से बड़े बड़े हैं इसलिए 10 ही लिए हैं। ये 2 किलो चिकन है, इसे धो लेंगे हम अच्छे से। 5 टमाटर, इसे भी हम चॉप कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अपने बर्तन में ले लिया है ऑयल, और ये सारे गरम मसाले हमको लगेंगे, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और तेजपत्ता। कितना कितना वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट शॉट में। ये देखिए, ये प्लेट में जितने सारे हैं, करीब 2 बड़ा चम्मच समझ लीजिए, सब कुछ लिया है मैंने, सिर्फ लौंग जो है वो 1 बड़ा चम्मच ली है, और दालचीनी के करीब 2-2 इंच के टुकड़े लिए हैं। तो एक जो लंबी दालचीनी का टुकड़ा होता है ना, वो पूरा का पूरा मैंने लिया है। और यहाँ पर कुछ 4-5 जो है तेजपत्ता आपको चाहिए, अपने अंदाज़ से आप ले लीजिएगा। तो ये हमारे सारे गरम मसाले जो हैं वो रेडी हैं, और जैसे ही आपका तेल गरम हो जाएगा, आप सारे के सारे गरम मसाले एक साथ इसमें डाल दोगे, उसको थोड़ा सा सौते करोगे जस्ट फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अनियंस। अनियंस जो कि हमने एकदम अच्छे से चॉप कर लिए हैं, मैंने फूड प्रोसेसर में चॉप किया है, एकदम अच्छे तरीके से फाइन चॉप हो जाता है। आप अगर वैसे हाथ से करना चाहते हैं तो हाथ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्लाइस भी कई लोग डालते हैं, लेकिन मैंने चॉप डाले हैं। और यहाँ मैंने 5 टमाटर जो हैं वो भी चॉप कर लिए हैं, एकदम फाइन चॉप नहीं हुए हैं, थोड़े रफ चॉप। और अब ये सब हमने डाल दिया है ऑयल में, इसको हम अच्छे से थोड़ी देर मिक्स कर लेंगे, और मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक के पकाऊंगी ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से कुक हो जाए। एक चीज़ मैं भूल गई, मैं कुछ ना भूलूँ ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये है साबुत लाल मिर्च जो मैंने डाली हैं अराउंड 7-8। आपको अगर और ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप और ज़्यादा डाल सकते हैं, बट इतनी 2 किलो के लिए ऑनेस्टली काफ़ी है।
अच्छे से इसको मैंने करीब 10-15 मिनट जो है कवर करके कुक किया था। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा चिकन जो हमने अच्छे से धो के रखा था, और इसे हम मिक्स कर लेंगे वेरी नाइसली, जस्ट मिक्स इट वेरी वेल कि सारा मसाला जो है वो चिकन में अच्छे से लग जाए। और एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया उसके बाद हम इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे। इस पॉइंट पे पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चिकन जो पानी छोड़ेगा उसमें ऑटोमेटिकली जो है कुक हो जाएगा चिकन। कौन आया देखो निन्नी करके, हो गई निन्नी। सो यहाँ पे 10 मिनट तक जो है चिकन कवर होके कुक हो रहा था। ये देखिए पानी बहुत ही अच्छे तरीके से छोड़ दिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट इस पॉइंट पे। ये देखिए अच्छे से मैं 3-4 चम्मच भर के जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि बढ़िया सा फ्लेवर तो इसी से आएगा। तो ये मैंने डाले 4 बड़े चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक्चुअल में ये रेसिपी बहुत इजी है, मतलब अब तक जितने चिकन मैंने बनाए उसमें से मुझे ये सबसे ज़्यादा आसान लगी, क्योंकि ये बहुत ही झटपट बनने वाली है। अब हमने डाल दिया है, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें हमारे मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले डाला नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। फिर ये डाला है लाल मिर्च पाउडर, और फिर मैं डाल रही हूँ चिकन मसाला। ये मैं डालूँगी करीब 2 से 2.5 चम्मच भर के। उसके बाद जीरा मसाला 2 चम्मच, उसके बाद धनिया पाउडर 2 चम्मच, और इसे हम अच्छे से अगेन मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसे एकदम आराम से सुकून से कुक होने देंगे। और देखिए मैंने वाह क्या चिकन की ग्रेवी स्प्लैटर की है, स्प्लैश की है सॉरी। और इसके बाद इसको कवर करके मैंने अच्छे से कुक किया करीब 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक जो पूरा चिकन है वो अच्छे से पीसेस जो हैं वो कुक ना हो जाए। वैसे इस टाइम तक अच्छे से कुक हो, मतलब काफ़ी कुक हो जाते हैं, पर जो बचे हैं वो अच्छे से। एंड उसके बाद कवर हटा के उसे और हमें भूनना है, और ऊपर से मस्त हरा धनिया डालना है। जैसा कि मैंने व्लॉग की बिगनिंग में कहा कि मैंने इस तरीके से शूट किया है ना कि मेरी चीज़ें आधी रह गई हैं, रेसिपीज आधी रह गई हैं, तो इस पर्टिकुलर स्टेज के बाद मैंने कवर करके इस ग्रेवी को थोड़ी देर के लिए कुक किया। जब चिकन पूरी तरह से कुक हो गया उसके बाद खोल के मसाला तब तक पकने दिया जब तक मसाला ऑयल ना छोड़ दे और अलग ना हो जाए। उसके बाद उसके ऊपर कोरिएंडर डाला, एंड इट वॉज यम यम यम। बहुत ही अमेजिंग ये चिकन बना, और बहुत ही क्विक बना। मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, बहुत फटाफट बनने वाला है। इस लाइक ऑलमोस्ट लाइक 1 pot चिकन की आप सब कुछ इसमें भरपट भरपट डाल दो एंड उसके बाद कुक कर दो। इट्स वेरी इजी, फटाफट वाला ये बना सकते हो, ये बहुत टेस्टी बनेगा। तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। एंड मेरी जो बहुत बड़ी समस्या है, चिकन स्ट्यू क्या होता है, मैं अम्मी से भी पूछूंगी अगले ब्लॉग में, हम अम्मी से भी पूछेंगे। आप लोग भी पूछिए, आप लोग भी मुझे बताइए कि क्या है, मैं कौन से पेज पे रेसिपी देखूं, मैं किससे बनाऊं, किसकी अच्छी है कैसी है, वो भी बताइएगा। एंड अब आ रही है ईद, तो हम ईद की तैयारी शुरू करेंगे। और मैंने आपसे ये पिछले साल भी पूछा था, और मेरे को तब भी कोई अच्छी रेसिपी नहीं मिली थी। मुझे अपने हाथों से कबाब बनाना सीखना है, मेरे कबाब अच्छे नहीं बनते यार, मुझे गलौटी कबाब बनाना सीखना है, क्योंकि मुझे पर्सनली चिकन गलौटी कबाब, मटन गलौटी कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पिछली बार मैंने बनाया था काले चने की गलौटी कबाब, वो बहुत अच्छे बने थे। चिकन के मैंने बनाए थे पर वो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गए थे। वो जब मैं उनको टिक्की बना के जब मैं फ्राई कर रही थी तो पूरा ऐसे पूरा हो गया था, एंड द टेस्ट वॉज नॉट गुड, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। सो प्लीज़ हेल्प मी आउट, मुझे चिकन गलौटी कबाब, मटन गलौटी कबाब की अच्छी वाली, एकदम एक्सप्लेन की हुई अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी चाहिए जो मुझे बनाना है। तो इंशाल्लाह मैं इस ईद पे वो ज़रूर बनाऊंगी। और बाकी तैयारियां हम क्या शुरू कर रहे हैं वो बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक आप ये चिकन की क्विक रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बताइएगा इसे मैं क्या बोलूं। और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई प्रॉमिस अब हम बहुत जल्द मिलेंगे। लव यू ऑल।